नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों, और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा सांगा पे। महाराणा सांगा मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसके बारे में हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं महाराणा सांगा के संदर्भ में। महाराणा सांगा पढ़ेंगे, और महाराणा सांगा मेवाड़ का राजा बनेगा 1509 में, और 1528 तक राजा रहेगा, ये शासनकाल है इनका। यदि महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा सांगा के संदर्भ में अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक बार रिवाइज और कर लेता हूँ मैं। यदि इनके उपनामों की बात करें तो इसे हिंदू पथ कहते हैं, और कुछ इतिहासकार इन्हें हिंदू पाथ कहते हैं। पथ या पाथ एक ही बात है, इनका अर्थ होता है रास्ता, अर्थात हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला। तो फिर हिंदू कौन? राजपूत। राजपूताना में राजपूतों का शासन था, इसलिए सभी राजपूताना को रास्ता दिखाने वाला राजा कौन था? तो हिंदू पथ, यानी राजपूताने को हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला महाराणा सांगा। नंबर दो, मित्रों कहते हैं कि महाराणा सांगा जहाँ सैनिकों से काम चलता था वहाँ स्वयं चला जाता था, सैनिकों को नहीं भेजता था, एक सैनिक की तरह डटा रहता था। इनके शरीर पे 80 घाव हो गए थे, इसलिए इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेष किसको? तो बता देना महाराणा सांगा को। चूंकि सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और कितने भी घाव लग जाए देश की रक्षा के लिए अंतिम श्वास तक लड़ता है, इसलिए अपने साम्राज्य के लिए सैनिक की तरह कार्य करता था। शरीर पे 80 घाव हो गए थे, इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेष का मतलब क्या है? खंडार। अब महाराणा सांगा इतना शक्तिशाली राजा है, तो कोई इतिहासकार भी इसकी प्रशंसा में कुछ लिखेगा। तो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि महाराणा सांगा इतना शक्तिशाली था कि इसके राज दरबार में 7 राजा सेवा देते थे। कितने राजा? 7 राजा दरबार में सेवा देते थे। और कहते हैं मित्रों कि 9 राव दरबार में उपस्थित थे, और कहते हैं कि 104 सरदार इनके दरबार में उपस्थित रहते थे। जिन राजा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार विद्वान थे, तो कल्पना की जा सकती है कि वो राजा कितना महान और कितना शक्तिशाली हो सकता है। कर्नल जेम्स टोड ऐसा लिखते हैं। उपनाम की बात करें तो हिंदू पथ कहते हैं, और सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। दो प्रश्न याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड महाराणा सांगा के प्रशंसा में शक्ति की तुलना करते हुए लिखते हैं कि ये इतना शक्तिशाली था कि इनके दरबार में 7 राजा सेवाएं देते थे, 9 राव और 104 सरदार उपस्थित रहते थे। आगे चलिए, महाराणा सांगा जो मेवाड़ का राजा है, इसमें यदि दिल्ली की सत्ता देखें तो दिल्ली पे लोधी वंश चल रहा है मित्रों, और लोधी वंश में इब्राहिम लोधी इसके समकालीन शासक होगा। यानी सांगा राजा बनता है, उस समय तो सिकंदर लोधी था, लेकिन सिकंदर लोधी कुछ ही समय बाद हट जाता है और उसकी जगह इब्राहिम लोधी राजा बनता है। तो अब इब्राहिम लोधी और सांगा के संबंध में पढ़ेंगे, अपन को ये ज़्यादा पढ़ना है, इब्राहिम लोधी और सांगा के संबंध। अब महाराणा सांगा 1517 में एक युद्ध लड़ते हैं, जिसका नाम है खातोली का युद्ध। पूछ ले कि खातोली कहाँ है, तो बता देना बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में। और पूछ ले मित्रों कि वर्तमान में खातोली कहाँ है, वर्तमान कहते हैं कि ये कोटा में है। वर्तमान में कहाँ है? कोटा में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है खातोली का युद्ध, खातोली कहाँ है? बूंदी में। वर्तमान में किस क्षेत्र में आती है? कोटा में। युद्ध हुआ कब? 1517 में। किन किन के बीच में? एक तो महाराणा सांगा है, और सांगा के संबंध में विरोध में दिल्ली पे कौन है? तो बता देना इब्राहिम लोधी।
एकदम आसान है, दिल्ली को समझ लीजिएगा। दिल्ली पे लोधी है तो मेवाड़ में सांगा है। पहला युद्ध कातोली का युद्ध 1517 में सांगा और इब्राहिम के बीच में, सांगा जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। इसके बाद बाड़ी का युद्ध कब हुआ तो बता देना, 1518 में, वो 17 में, ये 18 में। कुछ इतिहासकार इसको 17-18 और इसको 18-19 लिखते हैं, तिथि याद रखिए, ये 17 में और ये 18 में, ठीक है। बाड़ी कहाँ है तो बता देना, धौलपुर में है, धौलपुर में। इसलिए इतिहासकार इसको धौलपुर का युद्ध भी लिखते हैं, इसे धौलपुर का युद्ध भी कहेंगे। किन किन के मध्य हुआ, एक तरफ सांगा और दूसरी तरफ है कौन तो बता देना, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी स्वयं इस युद्ध में नहीं है, तो फिर कौन है, इसके सेनापति है। इब्राहिम लोधी के सेनापति दो है, एक का नाम है मियां माखन और दूसरे का नाम क्या है तो बता देना, मियां हुसैन। ये दो सेनापति है, इब्राहिम लोधी स्वयं नहीं है इसमें, बाड़ी के युद्ध में, धौलपुर के युद्ध में। और सांगा जीत जाते हैं और ये फिर हार जाते हैं। दोनों युद्ध महाराणा सांगा जीतते हैं। जैसे ही महाराणा सांगा दोनों युद्ध जीते तो मेवाड़ के चारों तरफ प्रशंसा फैल गई कि महाराणा सांगा बहुत शक्तिशाली राजा है। दोनों युद्ध समझ आ गया होगा, खातोली का युद्ध बूंदी में है वर्तमान में कोटा में 1517 में, और 18 में जो हो रहा है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में है और इसे धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं। सांगा और इब्राहिम के दोनों में सांगा जीतता है दोनों में, और इब्राहिम लोधी दोनों में हार जाते हैं। और दूसरा जो बाड़ी का युद्ध है उसमें इब्राहिम लोधी स्वयं नहीं आया, उनके दो सेनापति है मियां माखन और मियां हुसैन। आगे चले, अब क्या है, गागरोन का युद्ध। गागरोन के युद्ध के से पहले एक नई कहानी ऐड कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए। वो ऐसे कि मालवा में महमूद खिलजी सेकंड ये आपसी युद्धों में फंसा रहा, और कहते हैं कि ये मालवा का राजा भी बन गया। तो जिस समय मालवा का राजा बन रहा है उस समय एक बंदा इसका सहयोग कर रहा है, और उस बंदे का नाम क्या है तो बता देना, मेदिनी राय। हमारे लिए मेदिनी राय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेदिनी राय ने मालवा का जब महमूद खिलजी सेकंड राजा बना तो सहयोग किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि महमूद खिलजी सेकंड क्या सोचेगा कि यार इस बंदे के कारण मैं जीता हूँ तो इसको उच्च पद दे देता हूँ, ठीक है, उच्च पद दे दिया। इससे जो मुस्लिम मंत्री थे और इनके सामंत थे, वो सारे के सारे इस बात से नाराज हो गए कि उच्च पद कैसे दे दिया मेदिनी राय को। तो कहते हैं कि मेदिनी राय को निष्कासित कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया, निष्कासित है। जिसने सहयोग किया, जिसने राजा बनने में सहयोग किया, मित्रता की एक भूमिका निभाई, उसी को भी राज्य से बाहर निकाल दिया। माजरा इतना है कि मालवा का राजा बना महमूद खिलजी सेकंड, और जब राजा बना तो सहयोग किया मेदिनी राय ने। फिर मेदिनी राय ने सोचा कि यार इसने सहयोग किया है तो उसको उच्च पद दे दिया मेदिनी राय को। ये बात जो अन्य मंत्री थे, सूबेदार थे, सामंत थे, उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने इसका विरोध किया। तो कहते हैं कि मेदिनी राय को निष्कासित कर दिया मालवा से। मेदिनी राय कहीं तो जाएगा, तो कहते हैं मित्रों कि ये मेवाड़ की शरण में आ गया, और मेवाड़ में अपन पढ़ रहे हैं कौन, सांगा। ध्यान से समझना, अच्छी स्टोरी है। अब सांगा ने इसी मेदिनी राय को जागीर दे दी। जागीर कहाँ की तो बता देना, गागरोन की जागीर दे दी। गागरोन दुर्ग दे दिया कि यहाँ रह ले। किसने दिया, सांगा ने। किसको दिया तो बता देना, मेदिनी राय को। मेदिनी राय आया शरण में, इसको दे दिया। अब याद रखना, ये गागरोन वही गागरोन है, इस गागरोन में पृथ्वीराज राठौड़ ने बैठ करके वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना लिखी थी मित्रों। और वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना में क्या है ये पूछ ले। ये पूछ ले कि वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना में क्या है तो बता देना, कृष्ण और रुक्मणी री प्रेम की गाथाएं हैं। और इसी पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर तेसी तोरी ने डिंगल का हीरोज कहा था,
और कन्हैया लाल सेठिया चूरू से संबंध है उसका। उन्होंने पिथल और पाथल नाम की रचना लिखी, उसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पिथल कहा गया और पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया। साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, उसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ेंगे और पृथ्वीराज राठौड़ को भी गागरौन की दुर्ग जी गई जागीर दी गई थी। गागरौन दुर्ग के झरोके में बैठ के इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने, यह बीकानेर के कल्याण मल का पुत्र है, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे बीकानेर के इतिहास में। एक बार के लिए यहाँ स्टॉप करता हूँ इसको, माजरा दूसरा आ गया बीच में। मेवाड़ राणा सांगा की शरण में आ गया मेदिनी राय, मेदिनी राय गागरौन दुर्ग की दे दी जागीर। अब क्या होता है, जैसे ही जागीर दी मेदिनी राय को, अब इसने राज्य से निकाला मेदिनी राय को, मेदिनी राय इसकी शरण में आ गया, इसको जागीर मिल गई, तो ये भाई साहब क्या करेगा, गुस्से में आएगा कि यार मैंने राज्य से निकाला रहा जाकर के वहाँ वो जागीरदार बन के बैठ गया। तो कहते हैं महमूद खिलजी ने सेकंड ने आक्रमण कर दिया, किस पे, गागरौन पे। कब की बात है, 1519 की, आक्रमण कर दिया गागरौन पे। तो गागरौन की जागीर किसने दी है, मेदिनी राय को, सांगा ने। तो मेदिनी राय और गागरौन दुर्ग की रक्षा कौन करेगा, सांगा करेगा। अब भाई साहब मेवाड़ का राजा कौन, सांगा, ठीक है। सांगा ने मेदिनी राय को बोला कि तू रुक जा, मैं संभालता हूँ। इधर से सांगा आया, उधर से महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड आया। दोनों के बीच में 1519 में युद्ध हुआ गागरौन का। सांगा जीतता है, इसको बंदी बना लेता है, बंदी बना करके, और कहते हैं कि 6 माह तक कैद में रखता है। कोई इतिहासकार लिखते हैं 3 से 4 माह कैद में रखा था, छोड़ दिया था। एक बार फिर समझ लीजिए, ये गड़बड़ी वाली स्टोरी है, गड़बड़ मत कर देना। मैंने कहा कि नई स्टोरी लेके आता हूँ गागरौन दुर्ग से पहले। मालवा का राजा महमूद खिलजी सेकंड राजा बना तो सेवक किया मेदिनी राय ने। मेदिनी राय एक हिंदू था, इसलिए मुस्लिम जो दरबारी थे उन्होंने विरोध कर दिया। जैसे जीता तो मेदिनी राय को उच्च पद दिया महमूद खिलजी ने। मंत्रियों ने, सामंतों ने विरोध किया, तो मेदिनी राय को राज्य से निष्कासित कर दिया महमूद खिलजी सेकंड ने। अभी ये मेवाड़ में आ गया महाराणा सांगा की शरण में। महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरौन दुर्ग की जागीर दे दी। अब जागीर दे दी तो पता लगा किसको, इस भाई साहब को, इसने गागरौन पे आक्रमण कर दिया महमूद खिलजी सेकंड ने। अब जागीर दी है सांगा ने, तो सांगा ही रक्षा करेगा मेदिनी राय और गागरौन दुर्ग की। तो जैसे आक्रमण किया महमूद खिलजी सेकंड ने, तो इधर से सांगा आ गया। दोनों के बीच में गागरौन का युद्ध हुआ 1519 में, और इस युद्ध में सांगा जीत जाता है और महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लेते हैं। इतिहासकार लिखते हैं 6 माह तक कैद में रखा था। इससे पहले महमूद खिलजी फर्स्ट था मालवा का ही, उसको फिर महाराणा कुंभा ने 6 माह तक कैद में रखा और छोड़ दिया। उसके बाद महमूद खिलजी सेकंड को सांगा ने कैद में रखा, और कुछ इतिहासकार तो लिखते हैं 3-4 महीने बाद में छोड़ दिया था। ऐसी सी कहानी है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, अब क्या हुआ, गागरौन दुर्ग हो के बाद में अपन पढ़ेंगे क्या। मैंने अभी तक ये बताया कि सांगा, महाराणा सांगा 2 युद्ध जीतता है, खातोली का युद्ध नंबर 2, बाड़ी का युद्ध, और तीसरा युद्ध जीतता है जिसका नाम है गागरौन का युद्ध। ये 1517 में हुआ, ये 1518 में हुआ, और ये 1519 में हुआ। अच्छे से रट्टा मार लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा तो वो युगम बना करके पूछेगा, युगम बना करके, ये 19 में हुआ। तो ये 3 युद्ध हुए अब तक के, पहले वाले दोनों युद्ध सांगा एंड किसके साथ में हुआ, इब्राहिम लोदी के बीच में। एक तरफ सांगा है और दूसरी तरफ है इब्राहिम लोदी। क्या हुआ इसमें, सांगा जीतते हैं दोनों में, लोदी हारता है। गागरौन में, गागरौन का युद्ध हुआ किसके बीच में, तो बता देना, सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में, महमूद खिलजी सेकंड के बीच में। इसमें क्या हुआ, सांगा फिर जीतता है और इसको बंदी बना करके कैद करके अपने पास रख लेते हैं। अब देखो, सांगा 3 युद्ध जीतने के बाद में अपनी प्रतिष्ठा पा लेता है राजपुताने में। चारों ओर सांगा की प्रतिष्ठा इतनी फैल जाती है, इतनी फैल जाती है कि हर एक राजा चाहता है कि उसके साथ संधि करके शोक की भूमिका निभाए। अब भाई साहब ऐसी चीज़ें सहन नहीं कर पा रहा था कौन, इब्राहिम लोदी का चाचा और एक दौलत खां, आलम खां और दौलत खां दोनों। तो कहते हैं कि
अब इस तरह से सांगा की शक्ति बढ़ रही है और दूसरी तरफ दिल्ली में क्या हो रहा है, तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी है और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इनका चाचा और एक सहयोगी और है, वो दोनों यानी आलम खां और दौलत खां बाबर को यह आमंत्रित करते हैं। तो देखते हैं पहले बाबर के बारे में क्या माजरा है बाबर का। तो बाबर की एंट्री करवाता हूँ मैं भारत में। भारत में बाबर की एंट्री, भारत में बाबर का प्रवेश। सबसे पहले बाबर, बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबर का जन्म हुआ है मित्रों 14 फरवरी को, और 14 फरवरी 1483 को हुआ। और 14 फरवरी को यदि किसी बच्चे को याद है तो बता दीजिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहूँगा कि बाबर का जन्म हो रहा है 14 फरवरी 1483 को, तो बाबर का दिवस 14 फरवरी को हुआ, 14 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मेरा प्रश्न है। 14 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। यदि पूछ ले बाबर का पूरा नाम क्या था, बाबर का पूरा नाम तो बता दीजिएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका पूरा नाम बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो मैं सही ढंग से लिख देता हूँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। यदि बाबर के पिता का नाम पूछ ले तो पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। ध्यान रहे मित्रों, ये जो मिर्जा है ये इनकी पैतृक उपाधि भी है, आगे पढ़ लेंगे। यदि इनकी माता का नाम पूछ ले तो माता का नाम है कुतलुग निगार। आराम से पढ़िएगा, नहीं तो ये अटपटा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बोलोगे कुछ निकलेगा कुछ। ये जो उमर शेख था ना, ये तैमूर का वंशज था। किसका? तैमूर का वंशज। पांचवीं पीढ़ी में बताते हैं कि तैमूर की पांचवीं पीढ़ी से था। और ये जो तुगलुक निगार थी, कुतलुग निगार थी, ये चंगेज खां के वंशज थे, वंशते थी। तो ये एक तरीके से बोले तो बाबर दो जातियों का मिश्रण था। और बाबर को जब कहते थे ना, ये तैमूर से वंशज संबंध रखता था, इसलिए यदि कहते थे बाबर को तैमूरिया कहते थे, तो ये अपने आप को गर्व समझते थे, ऐसे कि यार मेरे को कुछ अलग ही तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि उठा के पटकड़ा, वैसे ये अपने आप में खुश समझता था। इसको कहते थे ना कोई कि ये महाराज तैमूरिया आ रहा है, हजूर तैमूरिया आ रहा है, तो ये अपने आप में खुश होता था, ऐसी बात थी, इतिहासकार लिखते ऐसा। अब आगे देखते हैं बाबर के संबंध में। बाबर एक आत्मकथा लिखता है, और बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, और इसका दूसरा नाम है तुजुक ए बावरी। ये बाबर की आत्मकथा है, और इस बाबरनामा का दूसरा नाम तुजुक ए बावरी है। बाबरनामा में क्या लिखता है बाबर लिखता है कि मैंने भारत में प्रवेश किया तो भारत में मैंने क्या देखा, 5 मुस्लिम रियासतें देखी। मुस्लिम रियासतें, कितनी रियासतें? 5 मुस्लिम रियासतें देखी, और मैंने 2 हिंदू रियासतें भी देखी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना। जब अब हम लोग मुगल पढ़ेंगे उस समय बहुत काम आएगी ये। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 भारत में जो मुस्लिम रियासतें बताई और 2 हिंदू रियासतें बताई, वो कौन कौन सी थी। ये भारत का मैप है, मैं अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसा बने स्वीकार कर लेना, ये भारत है। और कहते हैं कि एक रियासत थी गुजरात, और एक रियासत थी दिल्ली,
और एक रियासत थी मालवा और एक रियासत थी पश्चिमी बंगाल बंगाल और एक दक्षिणी में थी बहमनी बहमनी। ये पांच मुस्लिम रियासतें गिनाता है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। कौन गिनाता है तो बता देना, स्वयं बाबर बताता है ऐसा कि मैंने जब भारत में प्रवेश किया तो पांच मुस्लिम रियासतें थी, और ये पांच रियासतें मुस्लिम रियासतें मुस्लिम रियासतें। और वो कहता है कि मैंने भारत में दो हिंदू रियासतें देखी, दो हिंदू रियासतें देखी। जो दो हिंदू रियासतें देखी, एक तो यहाँ थी दक्षिणी भारत में विजयनगर, और एक मित्रों राजस्थान में थी। राजस्थान में कौन सी की चर्चा कर रहे हैं तो बता देना, मेवाड़ की, एक मेवाड़ रियासत थी। ये दोनों रियासतें कैसी थी, हिंदू रियासतें थी। तो फिर बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा, नाम क्या है बाबरनामा, दूसरा नाम इसका तुजू के बाबरी कहते हैं, इसमें इन पांच मुस्लिम रियासतों और दो हिंदू रियासतों का चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपना राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान का मेवाड़ का इतिहास, इसलिए मेवाड़ रियासत की भी बाबरनामे में चर्चा की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। फिर बाबर और क्या लिखता है, बाबर ये जो बाबरनामा है इसमें बाबर लिखता है कि मैं जब भारत में गया तो मैंने भारत में गया मैं तो मैंने भारत में एक शक्तिशाली राजा देखा, शक्तिशाली राजा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में आ रहा है बाबर, शक्तिशाली राजा है तो सांगा की बात करेगा, तो नहीं मित्रों, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ के गलत कराया गया है। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सांगा की बात नहीं करता है, वो कहता है कि कृष्ण देव रॉय, कृष्ण देव राय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऑप्शन में आपको सांगा भी मिलेगा, कृष्ण देव राय भी मिलेगा। ये बाबरनामा में चर्चा करता है, कौन बाबर। अब आगे बढ़ते हैं बाबर के संबंध में, आगे पढ़ लेते हैं बाबरनामा। अब देखो, मैंने कहा कि बाबरनामा में तो ऐसा बोल दिया, लेकिन फिर ब्याना युद्ध होगा, सॉरी गागरौन का युद्ध होगा, और गागरौन के युद्ध के बाद में फिर पानीपत का युद्ध होगा। अब ये पानीपत का युद्ध है, उस समय की स्थिति ये थी कि मैंने बताया कि बाबर को किसी ने बुलाया है, कहाँ तो भारत में, पूछ ले किसने बुलाया तो फिर बता देना, अलम खान लोदी और दौलत खान, दौलत खान, इन दो बंदों ने बुलाया। किसको, बाबर को, भारत में आमंत्रित किया। लेकिन इस बाबरनामा में बाबर स्वयं एक बात लिखता है कि मुझे नहीं तो आलम खान ने बुलाया और ना ही मुझे दौलत खान ने बुलाया, दोनों ने नहीं बुलाया। तो फिर बाबर ने अपने आत्मकथा में क्या लिखा है तो बताया है कि मुझे सलहंदी तंवर नाम के एक व्यक्ति ने बुलाया है और सलहंदी तंवर के आमंत्रण पे मैं भारत लौटा हूँ। तो बाबरनामा के अनुसार पूछ ले कि भारत में बाबर को किसने बुलाया तो बता देना सलहंदी तंवर, और सीधा पूछे इतिहासकारों के अनुसार तो बता देना आलम खां और दौलत खां लोदी ने बाबर को बुलाया कि तू आजा दिल्ली जीत ले, दिल्ली जीतने के बाद में आधा राज्य दिल्ली का और कुछ रियासतें हमें दे देना, पर तू आ करके और दिल्ली को जीत ले, ऐसी इतिहासकार बात लिखते हैं। जबकि बाबरनामा में स्वयं बाबर लिखता है कि मुझे सलहंदी तंवर ने बुलाया। अब बाबर यहाँ आ गया, अब बात करता हूँ मैं पानीपत के युद्ध की। बाबर आया तो अब पानीपत का युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध होगा। देखो जब बाबर आ रहा है तो बाबर ने क्या किया, बाबर के संबंध में कुछ बातें और बताना चाह रहा हूँ मैं, करवा तो राजस्थान रहा हूँ लेकिन बाबर के संबंध में
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मित्रों कि जितना बताए उतना कम है, तो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आगे हम मुगल पढ़ेंगे तो मुगल में भी काम आएगा और यहाँ भी साथ ऐड करेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो उसमें काम आए। तो कहते हैं कि बाबर 1504 में काबुल को जीतता है, काबुल पे अधिकार कर लेता है, और बाबर 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि, या फिर इसको बोल सकते हैं पादशाह की उपाधि। इनकी मूल यानी पूछ ले कि पैतृक उपाधि क्या थी, कौन सी उपाधि, पैतृक उपाधि पूछ ले कि बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी, पैतृक उपाधि, तो फिर बता देना मिर्जा की। मैंने बताया था मिर्जा उमर शेख इनका पिता था इसलिए वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, ये पैतृक उपाधि थी, पिता की उपाधि। इस उपाधि का त्याग कर दिया इसने और कौन सी उपाधि धारण कर ली, बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि कह दो या फिर पादशाह की उपाधि, एक ही बात है। फिर क्या हुआ, बाबर बाबरनामा में लिखता है कि मैंने 1519 में बाजोर पे आक्रमण किया एंड भेरा को भी जीता, बाजोर और भेरा। जब बाबर ने भेरा पे आक्रमण किया उस समय बाबर ने सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग किया और तोपखाने का प्रयोग किया, तोपखाना अर्थात बारूद को चलाना। इसका मतलब है बाबर का भारत में पहला आक्रमण बाजोर भेरा पे था, और कह दे कि किस आक्रमण के समय, 1519 में दोनों भी आक्रमण हुआ, पहले इस पर फिर इसमें, 1519 में ही हुआ। तो कहते हैं कि भेरा का आक्रमण हुआ उस समय तोपखाने और बारूद का आक्रमण प्रयोग किया बाबर ने। पूछ ले कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग करने वाला कौन था, तो बता देना बाबर ही था। अब क्या हुआ, बाबर ने प्रवेश कर लिया भारत में और बाबर आ गया पानीपत। पूछ ले पानीपत कहाँ है, तो बता देना हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में। बात कब की है, तो बता देना 21 अप्रैल की, सन पूछे तो 21 अप्रैल 1526। युद्ध होगा किसके बीच में, तो बता देना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली पे इब्राहिम है, इब्राहिम है लोदी के बीच में। क्या होता है, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। जैसे ही हारेगा तो बाबर दिल्ली पे काबिज हो गया, भारत में एंट्री हो गई, कब, 1526 में। थोड़ा और बता देता हूँ, भारत में बाबर कहाँ से प्रवेश करेगा, कहाँ से आया, तो बता देना खेरब दरेशे, कौन सा दरा, खेरब दरेशे, और खेरब दरा कहाँ है, तो बता देना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश पर्वत है, और हिंदू कुश पर्वत के बीच में एक शंकरा मार्ग है, कहाँ है ये, तो बता देना हिंदू कुश पर्वत। हाल ही में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो ये जो हिंदू कुश पर्वत की चोटियां हैं, ये पठारी वाला क्षेत्र, ये चर्चा में रहा है तालिबानियों के कारण है, तो ये ध्यान रखना, ये बढ़िया प्रश्न बन सकता है, बनाया जा सकता है। हुआ ऐसे मित्रों कि पानीपत का युद्ध कौन जीतता है, तो बता देना बाबर जीतता है। बाबर जैसे ही पानीपत का युद्ध जीता तो भारत में 1526 में मुगलस्था की स्थापना हो गई, और 1526 से लेकर के और कहते हैं कि 1707 तक मुगलों ने व्यवस्थित रूप से राज किया, और फिर पूछ ले 1857 की क्रांति के समय मुगल राजा कौन था, तो बता देना बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये बहादुर शाह जफर एक शायर था। पूछ ले कि मुगलस्था का कब तक काबिज रही, तो 1526 में स्थापना और 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब तक तो व्यवस्थित रूप से चलती है, रूस के बाद में टुकड़ों में बहुत सारे राजा आए।
पर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए, कोई महीने भर, कोई दो महीने, तीन महीने, ऐसे राजा बने। तो अंतिम पूछ ले, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आगे बढ़े। अब आते हैं, बाबर ने युद्ध कैसे जीता? तो बता देना, उनकी युद्ध पद्धतियाँ फेमस थी, उन युद्ध पद्धतियों के कारण। युद्ध पद्धति कौन सी? तो बता देना, बाबर के पास तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति बाबर ने यह कहाँ से सीखी? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो बता देना, उज्बेकों से। कहाँ से? उज्बेकों से, सबसे इम्पोर्टेंट। और यदि कहती है कि तोप सजा करके, तोपें लगाना और तोपें लगा करके युद्ध करना, तोपें लगा करके, तोप सजा करके, युद्ध करना, वो जो पद्धति है उसे क्या कहेंगे? तो बता देना, उस्मानी पद्धति। कौन सी पद्धति? उस्मानी पद्धति। और इस उस्मानी पद्धति का दूसरा नाम है रूमी पद्धति। रूमी पद्धति, तो बाबर की युद्ध पद्धति तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति, दो रहे। पूछ ले तोपची, ध्यान रहे, बाबर के तोपची दो सबसे प्रसिद्ध थे, इसी कारण बाबर हर बार युद्ध जीतता था। तोपखाना चलाना जानते थे, बारूद का प्रयोग कैसे होता था। एक का नाम क्या था? उस्ताद अली, और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली और मुस्तफ़े खां, ये दो बाबर के तोपची थे। किसके तोपची थे? बाबर के तोपची थे, सबसे इम्पोर्टेंट है। दो तोपची बाबर के, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, वीडियो को रोक रोक के बीच बीच में से एक एक पर्सन लिख लिख के याद कर लेना मित्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बार हर लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आगे बढ़े, अब बयाना का युद्ध क्या हुआ? पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर को पता लग गया था कि मेवाड़ का महाराणा सांगा इतना शक्तिशाली है, तो महाराणा सांगा को भी जीतना ज़रूरी है। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने युद्ध की रणनीति तैयार की कि अब भारत में रह के आगे का प्लान क्या करना है। युद्ध की नीति तैयार की कहाँ? तो बता देना, फतेहपुर सीकरी में। बाबर फतेहपुर सीकरी पहुंचा, और फतेहपुर सीकरी में जाकर के बाबर ने क्या किया? अपने सैनिकों को तैयार किया, योजना बनाई, युद्ध की नीति। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, बाकी कुछ चीज़ें फतेहपुर सीकरी का नाम ही नहीं लेती है। बहुत सारी बुकें ऐसा बोलती है कि फतेहपुर सीकरी में उस समय नहीं था बाबर। खैर जो भी हो, ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं, तो अपने भी यही मान लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में योजना बना रहा है कौन? बता देना, बाबर। बाबर युद्ध की नीति पे चलेगा कि मेवाड़ के सांगा को जीतना है, तो बाबर अपने सैनिकों को तैयार करते हैं। बाबर के सैनिक थक चुके हैं, बाबर के सैनिक थक चुके हैं। तो एक दिन क्या हुआ, बाबर ने सैनिकों के सामने एक शर्त रखी। बाबर ने कहा कि यार मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ? तो सैनिकों या मंत्रियों का कोई जवाब नहीं आया। तो फिर बाबर चालाक भी था, बाबर ने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, तुम लोग अताश मत हो, तुम लोग युद्ध करो। सैनिकों को बता रहा है मैं मुस्लिम हूँ, सेम ही बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि मेवाड़ को जीतना है और सैनिक थक गए हैं। फरगना बहुत दूर है मित्रों, ट्रांस जो ईरान और इराक वाला चित्र, उससे भी आगे फरगना नाम की एक रियासत थी, वहाँ का था कौन? बाबर। वहाँ से चल के सैनिक आए, फिर युद्ध किया, तो एकदम से थक गए सैनिक। सैनिकों ने चलना, युद्ध करना मना ही कर दिया था। बाबर कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, देखो मैं शराब पीता था, इसलिए अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, और ये जो शराब के बर्तन है वो मैं काफिरों में बंटवा दूँगा। और कहता है कि मैं दाढ़ी नहीं रखता था, अब मैं दाढ़ी रखूँगा, अब मैं दाढ़ी रखूँगा, ऐसा बोल रहा है। सैनिक बोल रहे कोई बात नहीं, पर हम तो थक गए हैं। फिर कहता है कि यार तुम लोगों से मैं
तमगा कर लेता हूँ, वो कर नहीं लूँगा, तुम लोग युद्ध करो। तो सैनिक कहते हैं ठीक है, देखते हैं। इतने में क्या हुआ मित्र हो कि बयाना में कुछ सैनिक, बाबर के कुछ सैनिक इधर भरतपुर, बयाना कहाँ है तो बता देना, रूपवास तहसील है। तहसील कहाँ है ये तो बता देना, भरतपुर में। अब देखो प्रश्न कैसा आएगा, बयाना का युद्ध कहाँ लड़ा गया, भरतपुर में। ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर रूपवास मिलेगा, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। तो फिर कहते हैं कि बाबर के सैनिक, किसके सैनिक है, बाबर के सैनिक इधर घूमने के लिए आए और कहते हैं कि बयाना में यहाँ कुछ एक झुग्गी झोंपड़ियों में अधिकार कर लिया। इधर मेवाड़ में कौन है तो बता देना, मेवाड़ में तो राजा महाराणा सांगा है। सांगा को पता लगा तो आपको पता ये कि सांगा अकेला सैनिकों को नहीं भेजता था, स्वयं सेना लेकर के गया और यहाँ से खदेड़ दिया, खूब पीटा इनको, और ये जो बाबर के सैनिक थे उनको भगा दिया। इधर योजना चली रही थी, बाबर अपने सैनिकों को तैयार कर ही रहा था कि अचानक से ये बयाना से पीटे हुए सैनिक आए और आकर के बोल दिया कि महाराज हजूर हजूर। तो फिर बाबर ने कहा क्या है कि मेवाड़ का एक सांगा नाम का राजा है हजूर, इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि हम सबको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सैनिकों को ये देखो ये युद्ध के लिए तैयार कर रहा है यहाँ बाबर, डरे हुए सैनिकों को और डरा दिया। किसने किसने डराया है, बयानान से भागे हुए पिटे हुए सैनिकों ने। अब सैनिक ने एकदम से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बंदा जोश भरता है। देखो इनसे पार नहीं पड़ी तो फिर ये बाबर क्या कहता है, थोड़े से सैनिक है, अल्प मात्रा में सैनिक है। बाबर कहते हैं कि मैं ये युद्ध जिहाद के नाम पे लड़ूंगा, तुम लोगों को लड़ना है तो लड़ो, वरना यदि मैं मारा गया तो ठीक है, लेकिन मैं जीत गया तो गाजी कहलाऊंगा और मैं जिहाद के नाम पे युद्ध लड़ूंगा। जिहाद क्या है मित्रों तो बता देना, धर्म युद्ध है। गाजी क्या है, एक उपाधि है। तो जैसे ही जिहाद का नाम लिया, सारे सैनिक तैयार हो गए कि हजूर हम लड़ेंगे, मर गए तो ठीक, जीत गए तो गाजी कहलाएंगे। जिहाद का नाम देते ही बाबर के सैनिक तैयार हो गए। बयाना के युद्ध के बाद में बाबर ने एकदम से सैनिकों को तैयार कर लिया और अब सांगा के विरुद्ध चढ़ाई होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया खानवा का युद्ध। खानवा पूछ ले, खानवा कहाँ है तो बता देना, भरतपुर में। कहाँ है, भरतपुर में। पिछले खानवा का युद्ध कब हुआ तो बता देना, 17 मार्च 1527 को। कब हुआ, 17 मार्च 1527 को। पीछे मैंने बताया था बयाना का युद्ध, ये जो बयाना का युद्ध है ये भी 1527 को हो रहा है, और अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, खानवा के युद्ध की। ये भी 17 मार्च 1527 को लड़ा जाएगा, खानवा भरतपुर में है, यह लड़ा जाएगा। तो अब सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़ेंगे, क्या करेगा सांगा, और इधर बाबर क्या करेगा। बाबर, बाबर ने, मैंने आपको बताया ही कि बाबर के पास तोपची है, ये सब शक्तिशाली हथियार है बाबर का। बाबर के पास तोपखाना है, ये सबसे खतरनाक हथियार है। बाबर के पास तुलुगमा पद्धति है, ये भी सबसे खतरनाक हथियार है। बाबर उस्मानी पद्धति में सेना को लगाना जानता है, ये मजबूत पक्ष है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक एक चीज़ें, तोपची कौन कौन थे, तोपखाना किसे कहते हैं, तुगलुमा पद्धति क्या होती है, उस्मानी विधि क्या होती है, सबको इतिहास की शब्दावली में और पढ़ेंगे, और अब भी याद कर लेना, रट लेना अच्छे से। सांगा जो दौलत खां था ना, दौलत खां, अब वो सांगा के पक्ष में आ गया, और कहते हैं कि आलम खां भी आ गया, और एक हसन खां भी सांगा की पक्ष में था। सांगा ने क्या किया, एक पद्धति अपनाई, संपूर्ण राजपुताने को एक जगह इकट्ठा किया, पाती पर्वन नाम की एक प्रथा को पुनः जीवित किया, और अपने पक्ष में राजपुताने के सभी राजाओं को बुलाता है। बात कब की है, 17 मार्च 1527 को। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण। कैसे, पाती पर्वन क्या है तो बता देना, एक प्रथा है। इसके तहत क्या किया जाता है, तो राजपुताने के सारे राजा इकट्ठे होकर के एक राजा की छत्रछाया में युद्ध करें, उसे क्या कहते हैं तो बता देना, पाती पर्वन कहते हैं। तो इस पाती पर्वन प्रथा के तहत खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ लड़ने वाले कौन कौन राजा थे तो याद रखना मित्रों, आमेर से कौन आएगा तो आमेर से आएगा पृथ्वीराज कछवा।
पृथ्वीराज कछवा रटा मार लेना। फिर भी यदि पूछ ले भरतपुर से कौन आएगा तो बता देना अशोक परमार, अशोक परमार। और यदि पूछ ले सादड़ी से कौन आएगा तो सादड़ी से याद रखना मित्र आएगा झला अजा। पूछ ले मारवाड़ से कौन आया था सांगा की तरफ लड़ने के लिए तो बता देना राव मालदेव। पूछ ले बीकानेर से कौन आया था तो बता देना राव कल्याणमल। पूछ ले बूंदी से कौन आया था तो बता देना बूंदी से आया था नारायण राव आया था। पूछ ले सिरोही से कौन आया था खानवा युद्ध में सांगा की तरफ लड़ने के लिए तो फिर बता देना अखेराज सोनगरा। पूछ ले चंदेरी से कौन आया था तो बता देना मेदिनी राय। पूछ ले मेड़ता से कौन आया था मेड़ता से तो बता देना मेड़ता से आया था बिरमदेव। पूछ ले बागड़ से कौन आया था तो बता देना बागड़ से आया था उदय सिंह। गोगुंदा से पूछ ले कौन आया था तो मित्रों गोगुंदा से आया था झाला सज्जा। वो अज्जा है ये सज्जा है। पूछ ले डूंगरपुर से कौन आया था तो बता देना रावल उदय सिंह। बहुत सारे राजा आए बहुत सारे, लेकिन आपका प्रश्न तो यही होगा कि सर इतने सारे याद कैसे रखे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इनमें से इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, सारे याद रखो तो ठीक है, नहीं तो मत रखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाती प्रवण पद्धति के तहत खानवा युद्ध में सांगा की तरफ लड़ने वाले मुख्य यदि 4 से 5 राजाओं का नाम पूछा जाए जो इंपॉर्टेंट है तो उनमें आप नाम इनका याद कर लेना। एक तो मारवाड़ से कौन आया, एक आमेर से कौन आया, एक बीकानेर से कौन आया, एक बूंदी से कौन आया, एक सिरोही से कौन आया, सॉरी एक हाँ सिरोही से कौन आया, और एक फिर याद रख लेना सादड़ी से। बस जिनमें से ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये 4 ही याद रख लो ना, ये जो 4 है इन 4 से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मारवाड़ से आता है राव मालदेव, आमेर से आता है पृथ्वीराज कछवा, बीकानेर से आता है राव कल्याणमल। और पूछ ले बूंदी से आता है कौन है तो बता देना नारायण राव। बूंदी से नारायण राव आता है। इनको याद कर लो, इन 4 में से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इनको अच्छे से लिख के याद कर लेना बस। अब आगे बढ़े, धैर्य बना के रखे, सांगा लंबा है, थोड़ा लंबा, अपनी क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है। इसके बाद में अब महाराणा सांगा युद्ध में घायल हो जाता है, मंत्री सैनिक सेनापति मिल के इनको निकाल के बाहर ले जाते हैं युद्ध से। कहाँ ले जाते हैं तो बता देना बसवा में। सांगा क्या है, घायल हो जाता है, तो घायल सांगा का क्या करवाया गया, इलाज करवाया गया। कहाँ करवाया गया, बसवा में।
पूछ ले बसुआ कहाँ है तो बता देना दोसा में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि बसुआ कहाँ दोसा में, जहाँ घायल महाराणा सांगा का क्या किया गया, इलाज किया गया। तो फिर कालपी इलाज करके कालपी में ले आए और कालपी में मित्रों एक गांव है जिसका नाम है इरिच गाँव। ऑप्शन में कालपी आ जाए या इरिच आ जाए, दोनों में से चूज करना है। काफ़ी बार कालपी पूछा जाता है, काफ़ी बार इरिच पूछा है। कैसे पूछा जाएगा? यहाँ सांगा को जहर दे दिया गया। क्या जहर दे दिया गया? जहर दे दिया गया। और जहर देने से कालपी में सांगा की क्या हो गई है तो बता देना मृत्यु हो गई है। कब हो गई है तो बता देना 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है? मैंने बताया बसुआ कहाँ तो बता देना दोसा में। कालपी और इरिच यहाँ तो होती है, सांगा को क्या दे दिया जाता है तो बता देना यहाँ तो सांगा को जहर दे दिया जाता है, जहर। और यहाँ सांगा का क्या करवाया जाता है? इलाज करवाया जाता है। तो सांगा की छतरी कहाँ तो बता देना मंडलगढ़ में। कहाँ है? मंडलगढ़ कहाँ है तो बता देना भीलवाड़ा में। क्लास लंबी है, समझ तो आ रही होगी, धैर्य बढ़ा के रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आए हैं, चारों ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है सीधा का सीधा पर्सन। अब पूछ ले कि सांगा का स्मारक कहाँ है, सांगा का स्मारक तो फिर बता देना बसुआ में है। सांगा का स्मारक कहाँ है? बसुआ में। और बसुआ कहाँ है? ऑप्शन में सीधा आ जाए जिला तो बता देना दोसा में। छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, स्मारक कहाँ तो बसुआ दोसा में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मीरा भाई, मीरा का क्या संबंध है सांगा से तो बता देना महाराणा सांगा और सांगा का पुत्र जिसका नाम क्या तो बता देना भोजराज। भोजराज के साथ में मीराबाई की क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। मीरा का पति भोजराज किसका पुत्र था? सांगा का। पूछ ले मीराबाई का बचपन का नाम क्या था तो बता देना पेमल देव। क्या नाम था? पेमल देव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने बताया मीरा का बचपन का नाम पेमल देव है, तो आप मुझे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम बताए, बेगम हजरत महल का दूसरा नाम बताए और करणी माता का बचपन का नाम बताए। ये जो तीन मेरे प्रश्न है इनका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखो। महारानी झांसी का दूसरा नाम क्या है, बेगम हजरत महल का दूसरा नाम क्या है और करणी माता का दूसरा नाम क्या है, ये तीनों के दूसरे नाम है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं देखता हूँ कितनी तैयारी है आपकी। पूछ ले इनके दादा का नाम तो बता देना मित्रों राव दुदा है। राव दुदा की ये पोती थी। पूछ ले पुत्री किसकी थी तो बता देना रतन सिंह की पुत्री थी। शादी हो गई किसके साथ है? भोजराज के साथ। और भोजराज मित्रों याद रखे खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में मारा जाता है भोजराज। खानवा युद्ध में मारा जाता है और मीराबाई क्या कर लेती है? भक्ति धारण कर लेती है, भक्ति रूप। और कहते हैं दासी और दास और दासी प्रथा भी इसी ने चलाई थी। तो एक बार रिवाइज कर लो, मीराबाई का संबंध सांगा से है, सांगा का पुत्र भोजराज है, उसके साथ में शादी हुई, बचपन का नाम पेमल दे है, दादा राव उदा है और पुत्री का नाम रतन सिंह। ये सारे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए। फिर आगे क्या है? पूछ ले कि रेदास कौन था तो बता देना मीरा का गुरु था। मीरा का गुरु था, मीराबाई ने रेदास को अपना गुरु बनाया। मीरा की छतरी पूछ ले कहाँ है तो बता देना चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़ में। और यदि पूछ ले मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो भी बता देना कहाँ तो चित्तौड़ में। पूछ ले मीरा अंतिम समय में क्या किया मीरा ने तो बता देना गुजरात का एक मंदिर है रणछोड़ मंदिर। इस रणछोड़ मंदिर में कहते हैं मित्रों कि विलीन हो गई आत्मा। हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, रट्टा मार लेना। रेदास मीरा का गुरु,
छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़ में। अंतिम समय में मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई। आगे बढ़े कवि निराला, क्या बोलता है कवि निराला? कवि निराला बोलता है कि मीराबाई है वो भक्ति गीत और भक्ति काव्य शैली, मीरा है वो भक्ति गीत और काव्य शैली की देवी है। और मीरा को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। मीराबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं कोई पूछ ले तो बता देना, मीराबाई को कहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मुझे ये बता दो कि बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए, बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं मीरा को? और मीरा की भक्ति कैसी थी तो बता देना, माधुर्य भाव की। कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी और माधुर्य भाव की ये क्या करती थी? भक्ति करती थी। ये भी हिंदी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। आगे बढ़े। अब इतिहास की कुछ शब्दावलियाँ हैं वो बाद की क्लास में। आज क्या पढ़ा महाराणा सांगा? इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके देखिए, एक एक प्रश्न एक एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे और ये पढ़ाने वाला मैटर भी ठीक लगे तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके किसी भी प्रकार के सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैंने जितने प्रश्नों के उत्तर पूछे क्लास के बीच में उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।